आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अमित जी, M6 कॉटन की बात करें तो M6 कॉटन में देख रहे हैं कि 50,000 के ऊपर ट्रेड करने के बाद अब 46,000 तक के जो लेवल्स हैं M6 कॉटन दिखा चुकी है। अब ये जो करेक्शन आई है, क्या वो फर्दर नीचे में कहां तक इंक्रीज हो सकती है? जी, अब देखिए, जिस प्रकार हम पहले भी बात कर रहे थे कि हालांकि तेजी का रुझान था, लेकिन यहाँ पर बहुत सावधानी से तेजी करनी चाहिए, क्योंकि हमने काफी लंबी रेंज आते देखकर काफी सारे टारगेट पोजिशन जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, चाहे वो 45,500 हो या फिर 48,500 का अपडेटेड टारगेट था, उसके बाद 50,200 का लक्ष्य था, ये तीनों ही लक्ष्य कहीं ना कहीं हासिल होते हुए देखे और उसके बाद मार्केट में गिरावट दिखाई है। तो मैं समझता हूँ कुछ समय तक हम एक प्रोलॉन्ग करेक्शन जिसे कहते हैं वो हम देखेंगे, या हमें कुछ समय तक हम करेक्शन का रुझान आते हुए देखेंगे, जिसके बाद प्राइसेस जो है दोबारा समझ सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं समझता हूँ कि 48,500 के ऊपर जब तक दोबारा प्राइसेस नहीं जा पाती है, 7 राइट का रुख रहेगा और 45,500 तक के भी लेवल हमें देखने में मिलेंगे। जी, टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।